वेलकम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हेपेटाइटिस ई वायरस जो है एक इमर्जिंग कॉज है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का, और वर्ल्ड वाइड ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोर देन 20 मिलियन केसेस एनुअली, और रिस्पॉन्सिबल है मोर देन 70,000 डेथ एनुअली। इंडिया में ये वायरस है ये हाईली एंडेमिक है। इसका पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फर्स्ट टाइम ये वायरस इंडिया में ही कश्मीर वैली में नॉर्दर्न इंडिया में डिटेक्ट हुआ। इंडिया में जो जीनोटाइप है हेपेटाइटिस सी वायरस का, वो जीनोटाइप 1 है मेनली, और ये स्पेशली यंग एडल्ट को अफेक्ट करता है, और ये एक वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है। यूएस से यूरोप और चाइना में जो है जीनोटाइप 3 और 4 भी पाया जाता है, जो कि ना सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शन बल्कि क्रोनिक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, और ये स्पेशली ओल्डर इंडिविजुअल और जो इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल हैं उनमें जो है क्रोनिक लिवर डिजीज भी कॉज कर सकता है। और ये जो वायरस है इसका एनिमल रिजर्वॉयर भी है, जो पिग्स एंड डियर है और वाइल्ड बोर है उनमें ये इन्फेक्शन पाया जाता है। लेकिन आज हम जो प्रीडोमिनेंटली बात करेंगे, आज हम बात करेंगे जीनोटाइप 1 के बारे में, जो कि इंडिया में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। जो हेपेटाइटिस ई वायरस जीनोटाइप 1 इन्फेक्शन है वो एक वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, और वे फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसिस में ये वायरस एक्सक्रीट होता है, जो कि इन्फेक्शन शुरू होने के 1 वीक पहले से लेकर 4 हफ्ते बाद तक जो है फीसिस में एक्सक्रीट होता है वायरस। और ये वायरस जो है जब वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करता है तो उस वाटर से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। स्पेशली जो रेनी सीजन है, जो फ्लडिंग का सीजन है, या सीवेज वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो जाता है, तो उससे जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है, और मेनली ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो अदर रूट है ट्रांसमिशन के, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये हो सकता है, और ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी इसका हो सकता है, लेकिन ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है बहुत अनकॉमन है। फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन है तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड जो है इसका अनकॉमन देखा गया है। अब आपका एक्सपोजर हो गया है वायरस के लिए कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से, तो अब एक्सपोजर के बाद जो है इन्फेक्शन कैसे मैनिफेस्ट करता है। इन्फेक्शन जो है यूजली मैनिफेस्ट करता है 2 से 10 हफ्तों के भीतर, और जो मैनिफेस्टेशन है वो वेरिएबल रहती है। मैनिफेस्टेशन या लक्षण जो है वो एज के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ केसेस में जो है इन्फेक्शन जो है उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसे इन्फेक्शन हुआ था। ये स्पेशली जो है यंगर एज में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें ऐसा होता है। कुछ केसेस में हल्का सा बुखार होता है और कोई लक्षण इसमें नहीं आते हैं, जैसे पीलिया जैसे लक्षण नहीं आते हैं, जिसे हम एनेक्टेरिक हेपेटाइटिस कहते हैं। कुछ केसेस में जो है एक्टेरिक हेपेटाइटिस जैसे लक्षण आते हैं, इसमें क्या होता है कि पहले प्रोडोमल सिम्टम आते हैं, जिसमें कि बुखार, भूख ना लगना, उल्टी का मन होना, पेट में दर्द होना जैसे तकलीफें शुरू में होती है, और उसके 7 दिनों के भीतर जो है पीलिया आना शुरू हो जाता है, गाढ़े रंग का पेशाब आता है, हल्के कलर के स्टूल आते हैं, और शरीर में खारिश हो सकती है। जो ये फेस है कुछ लोगों में ये प्रोलॉन्ग हो सकता है और कुछ वीक से लेकर मंथ तक चल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये सिम्टम है स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में आपको सीवियर लीवर डिजीज हो सकती है, जिसमें एक्यूट लीवर फेलियर और सब एक्यूट लीवर फेलियर जैसी अवस्था हो सकती है, और ये स्पेशली कॉमन होता है अगर इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हुआ हो। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो इसको हम कैसे डायग्नोज करें। जब हमारे पास कोई पेशेंट ऐसे लक्षण के साथ आता है तो हम जो है सारे वायरल पैनल इसमें करवाते हैं, क्योंकि जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस इलनेस है वो किसी भी अदर एक्यूट हेपेटाइटिस वायरल इलनेस से अलग नहीं होती है, सेम जैसे लक्षण होते हैं। तो हम सारे वायरल मार्कर करवाते हैं हेपेटाइटिस ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और ई के लिए। जो हेपेटाइटिस ई के लिए स्पेसिफिक वायरल मार्कर होता है जो ब्लड टेस्ट के लिए किया जाता है, हम एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस ई वायरस देखते हैं। अगर आपका IgM एंटी हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि आपको एक्यूट इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से। अगर आपका IgG एंटी HEB एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपको पास्ट इन्फेक्शन है या कन्वलेसेंट फेज में आप हैं। अब हम बात करते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ई के ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि ये जो वायरस इन्फेक्शन है वो सेल्फ लिमिटेड है और 1 से 1.5 महीने के अंदर स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है, तो ज्यादातर समय हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो पेशेंट को स्टेटिक फेज में चला जाता है और जो सिम्टम है उसके प्रोलॉन्ग हो जाते हैं कुछ महीनों तक, तो ऐसे केसेस में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से एक्यूट लीवर फेलियर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इस केसेस में हम स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग जैसे कि रिबावरिन ये
देते हैं और ये जो ड्रग है ये कुछ स्टडीज में यूजफुल पाई गई है और इससे वायरस के लेवल को जो है डिक्रीज होता है। जो एक्यूट लीवर फेलियर कंडीशन हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होती है, सो उसमें स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग के अलावा हमें जो है सपोर्टिव केयर देना होता है। बात करते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस के प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि हमने आपको बताया ये एक वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है और ये फिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर से जो है फैलता है, तो हमें इंश्योर करना है अच्छा हाइजीन, अच्छा सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें जो है हैंड वॉशिंग के ऊपर ध्यान देना है खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद। इसके अलावा हमेशा जो फ्रूट और वेजिटेबल अगर हम रॉ खाते हैं तो उनसे वॉश करना है और उन्हें पील करने के बाद ही खाना है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है। जो वैक्सीन है वो कुछ कंट्रीज में ही अभी अवेलेबल है, जैसे कि वैक्सीन नेपाल में ट्राई की गई है और चाइना में ट्राई की गई है। जो वैक्सीन चाइना में ट्राई की गई है वो जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जीनोटाइप 1 के अगेंस्ट और वो काफी इफेक्टिव पाई गई है और उसके इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है और उसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तरह ही जो है 0, 1 और 6 मंथ पे लगाया जाता है और इसे हाईली इफेक्टिव माना गया है प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए। और ये मेनली जो है इंडिकेटेड है उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें क्रोनिक लीवर डिजीज है या प्रेग्नेंट फीमेल है या जो एंडेमिक जोन में रहते हैं या जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं एंडेमिक जोन में। इंडिया में करंटली जो है हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हमें इंश्योर करना है कि हम अपना सैनिटेशन हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें और अपने आप को हेपेटाइटिस ई वायरस से बचाएं। और स्पेशली ये ट्रू है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, क्योंकि अगर उन्हें हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत सीवियर हो सकता है, लीवर फेलियर जैसी स्थिति उनमें ज्यादा कॉमन होती है और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के